अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ में नहीं थम रहे मर्डर के मामले, आज एक और मर्डर की खबर से परीक्षित कर थाना क्षेत्र में शॉक की लहर दौड़ गई। दिन दहाड़े शादी से आ रहे रूपक को होमगार्ड ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है पीड़ित का काफी समय पहले कुछ लोगों से विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच फैसला करा दिया गया था और विवाद थम गया था। लेकिन आज अचानक ही पुराने विवाद के चलते नितिन त्यागी, अनुज त्यागी और तीन अन्य लड़कों ने मिलकर रूपक को गोली मार दी, जिससे पीड़ित की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, वहीं पुलिस मामले की छानबीन में लगी है। सुनिए रूपक के चाचा अमित कुमार से मिली जानकारी। क्या नाम है आपका? अमित कुमार जी। कहाँ से आए हो? पुट्ठी गांव से आ रहा हूँ जी। क्या क्या हादसा हुआ है, किसके साथ हुआ, क्या है पूरा मामला? जो है हमारा भतीजा है और भतीजे का जो गोली मारी गई है वो कन्यादान करके आ रहा था। कौन लोग हैं जिन्होंने गोली चलाई है? जो है चार लोग हैं, जो है एक तो है रिटिल त्यागी है, अनुज त्यागी, बाकी और उसके साथ हैं तीन लड़के। जो है क्या करते थे ये कुछ पता चला आपको? और कुछ नहीं करता था, भतीजा तो हमारा खेती करता था, गांव का ही काम इल्ला देखता था अपना, जो है और भी इससे मतलब ही नहीं रखता था फालतू। किस बात को लेकर विवाद चलता आ रहा था? पहले भी इसमें विवाद हुआ है किसी बात को लेकर? क्या नहीं, कभी पहले काफ़ी टाइम पहले होगी थी, वो फैसला करवा दिया था इनका, जो है तन मन मजूरी होगी थी आपस में बस, और कुछ नहीं। तो बताया जा रहा है होमगार्ड भी इसमें है? हाँ, वो एक होमगार्ड में है, जो है वो कटारे का लड़का है, उसके बाप भी होमगार्ड में था, बाप है नहीं अब, दोनों भैया तो वो हैं और एक और है, भतीजा है मेरा जो। हाँ जी, रूपक। वहीं SP देहात अनिरुद्ध सिंह ने यह बताया। सर, एक युवक की गोली मार के हत्या की गई है, क्या पूरा मामला और किस क्षेत्र का मामला? कल थाना परिचितगढ़ को सूचना मिली थी कि पुट्ठी गांव में एक व्यक्ति रूपक है, 24 वर्ष का है, जिसकी कुछ लोगों ने, अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इसमें शीघ्र तत्काल बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। चार लोग प्रकाश में आए हैं, जिसमें दो मोनू और दीपक की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी से अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, इसमें होमगार्ड की क्या भूमिका रही है? इसमें दीपक जो है वो होमगार्ड में है, 2020 का भर्ती है, वो नामजद अभियुक्त है, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, ईवेस्ट चौराहा, मेरठ।